Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. जय हिंद प्यारे बच्चों, आशा है आपको आपके स्कूल से सपोर्ट मटेरियल मिल गई होगी। ये सपोर्ट मटेरियल आपको काफी हेल्प करने वाली है आपकी आज की वर्कशीट करने में। आज की जो वर्कशीट है वो हमारी जो अभी तक जो पिछले चैप्टर में लाइव प्रोसेस जय प्रक्रम करते आ रहे थे, जय प्रक्रम, उसी की ये क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में वर्कशीट है। मतलब इस वर्कशीट में लेसन एक्सप्लेन करके आपका एक असाइनमेंट टाइप का दिया हुआ है। तो आइए आज की वर्कशीट में हम देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है इसमें। कुछ हमारे पास एमसीक्यूज क्वेश्चन है, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आइए हम एक एक करके इन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपकी अगर वर्कशीट देखेंगे तो उसमें आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑर्गनल यूज एज अ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मींस वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। एवरीबॉडीज नो ऑप्शन यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, साइटोप्लाज्म है, क्लोरोप्लास्ट है, गॉल्गी बॉडीज है। तो राइट आंसर इज क्लोरोप्लास्ट। दूसरा क्वेश्चन है, स्टेट द रोल ऑफ एंजाइम ट्रिप्सिन इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ये आपका ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं है, आपका सिंपल पूछा है व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन हमने देखा इट इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम विच डाइजेस्ट या ब्रेक डाउन प्रोटीन इंटू पेप्टोन्स। वो क्या करती है, प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करती है इंटू पेप्टोन्स एंड फाइनली इंटू अमीनो एसिड्स। तो ट्रिप्सिन क्या करती है, वो प्रोटीन का डाइजेशन करती है, इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, अगर सिंपली लिखना चाहते हैं। थर्ड है, हाउ इज एटीपी बिल्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के वक्त एटीपी कैसे बनता है। हमने देखा कि काफी ये लंबा प्रोसेस है क्रैब साइकिल का, उसमें हम सिंपल यहां पे ये करते हैं कि जो सेल्स में है एडीपी, एडीपी है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स, ये एडीपी मॉलिक्यूल्स इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलकर आईपी के साथ मिलकर एटीपी मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं। तो एटीपी प्लस आईपी, आईपी हो गया हमारा इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड इट गिव्स अ मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। ये रिएक्शन होता है हमारा एडीपी से एटीपी बनने का। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन। हमने देखा एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, अ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन दैट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ईस्ट है, बैक्टीरिया है, ह्यूमन मसल्स हैं, और नेक्स्ट है ऑल ऑफ द अबव। तो हमने देखा कि ईस्ट में भी हमने देखा एनएरोबिक होता है, बैक्टीरिया में भी होता है, ह्यूमन मसल्स में भी होता है अंडर एनएरोबिक व्हेन ड्यूरिंग विग्रस एक्सरसाइज। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव आप लगा देंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम इज नेफ्रॉन, एज इन द लास्ट वर्कशीट वी हैव डिस्कस्ड। आशा कर रहे हैं आप पिछली वर्कशीट मेरी आप देख रहे होंगे। द ब्लड सेल विच आर हेल्पफुल इन स्टॉपिंग द ब्लड एट द साइट ऑफ इंजुरी। हमने देखा कि ब्लड क्लॉट, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड कौन हेल्प करता है, ब्लड प्लेटलेट्स हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। तो इसमें राइट आंसर प्लेटलेट्स है। फिर कंप्लीट द सेंटेंस दिया हुआ, लिम्फ इज सिमिलर टू, किससे सिमिलर है, टू प्लाज्मा ऑफ द ब्लड। यहां पे प्लाज्मा आ जाएगा, बट इज डैश एंड कंटेन लेस प्रोटीन। मतलब इसमें प्लाज्मा है और इसमें ब्लड, बट इट इज ट्रांसपेरेंट एंड कंटेन लेस आरबीसी, इसमें ब्लड सेल्स नहीं होते, आरबीसीज नहीं होते हैं। आठवां है, व्हाट विल हैपन टू द प्लांट इफ द जाइलम इज रिमूव्ड। अगर जाइलम ही निकाल दिया जाएगा प्लांट से तो वाटर का कंडक्शन नहीं होगा और विल्टिंग एक प्रोसेस होता है, विल्टिंग पौधे का मुरझाना। तो हमने देखा कि अगर पानी पत्तियों तक नहीं पहुंचेगा तो देयर इज अ लैक ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द लीव्स एंड द प्लांट विल डाई। तो पानी जाइलम का ये रोल हमने देखा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट द ब्लड वेसल्स विच ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इनटू द हार्ट। जो लंग्स से हार्ट तक ब्लड लेके आ रहे हैं, हमने देखा लंग्स से जो भी आर्टरिया वेन कनेक्टेड है उसमें हम पल्मोनरी वर्ड का यूज करते हैं। हम जानते हैं कि जो आर्टरीज हैं वो ब्लड को क्या करती हैं, अवे फ्रॉम द हार्ट ले जाती हैं, और जो वेन्स होती हैं वो ब्लड को टुवर्ड्स द हार्ट लेके आती है। लेकिन यहां पे एक एक्सेप्शनल ये आ जाता है, इट इज अ पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीनेटेड ब्लड।
तो यहां पे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि द ब्लड वेसल्स विच ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इनटू द हार्ट। तो यहाँ पे हम पल्मोनरी वेन लेंगे। पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और वो कहां से ब्लड लेके आती है? फ्रॉम द हार्ट टू द फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। फिर एक रीजन एसर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, स्टोमेटास आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव। रीजन दिया हुआ है, गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन प्लांट्स थ्रू स्टोमेटा। तो हमने देखा बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों ही बात सही है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर हम आते हैं आपका शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन पे। आपके पहला क्वेश्चन दिया है, व्हाई डज अ पीस ऑफ ब्रेड स्टार्ट टेस्टिंग स्वीटर आफ्टर च्यूइंग फॉर सम टाइम। हमने देखा मुंह में, या एक्टिविटी में मैंने बताई थी आपको, मुंह में थोड़ा सा आप ब्रेड का टुकड़ा लीजिए, उसको चबाते रहिए, उसको च्यू करते लगेगा, च्यूइंगम, तो आप देखेंगे कि जो ब्रेड का टुकड़ा है वो मीठा महसूस होने लगेगा। व्हाई इट इज, बिकॉज देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज एंड ग्लूकोज इज स्वीट इन टेस्ट। तो हम इसका आंसर ये लिख सकते हैं कि व्हेन वी च्यू ब्रेड फॉर अ लॉन्गर टाइम देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च प्रेजेंट इन द ब्रेड इनटू ग्लूकोज एंड ग्लूकोज इज स्वीट इन टेस्ट। तो वहां पे हमने देखा सलाइवरी अमाइलेज एक टाइली नामक एंजाइम है जो स्टार्च का ब्रेकडाउन करती है इनटू ग्लूकोज। सेकेंड क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने देखा इसका आंसर है लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट फंक्शन। हमने लीवर देखा, इट हेल्प इन द सिक्रीशन ऑफ बाइल। बाइल का फंक्शन हमने देखा क्या, इट हेल्प इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो तीनों चीजें मैंने बता दिया, आप मेंशन कर सकते हैं। लिस्ट द थ्री इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आप जाएंगे आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ, आपके सपोर्ट मटेरियल में भी दिया हुआ है। थ्री इवेंट्स हमने क्या देखा, अब्सॉर्प्शन ऑफ द लाइट बाय द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। दूसरा हमने देखा कि कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, और तीसरा हमने देखा कि रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। ये तीन मेन स्टेप्स होते हैं फोटोसिंथेसिस में। तो ये तीन स्टेप आप नोट कर सकते हैं फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक और फ्रॉम द सपोर्ट मटेरियल। फिफ्थ क्वेश्चन आपका दिया हुआ, स्टेट द फंक्शन ऑफ विलाय। व्हाट आर विलाय? विलाय आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दैट आर प्रेजेंट इन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल है उसकी जो इनर लाइनिंग है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में फोल्ड हो जाती है। इसका मेन फंक्शन है इंक्रीज द सर्फेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन। जो विलाय है वो क्षेत्रफल बढ़ा देता है जिसके कारण आसानी से चीजें एब्जॉर्ब हो सके। अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसमें दिया हुआ है स्टोमेटा ऑफ डेजर्ट प्लांट्स। डेजर्ट प्लांट्स को हम जीरोफिटिक प्लांट्स कहते हैं, जीरोफाइट्स कहते हैं। स्टोमेटा ऑफ द डेजर्ट प्लांट्स रिमेन क्लोज ड्यूरिंग द डे। दिन में तो बंद रहते हैं। अब हमने देखा जीरोफाइट प्लांट्स मतलब जो कैक्टस वगैरह, हमने देखा कि दिन में उनके स्टोमेटा बंद रहते हैं क्योंकि इतनी ज्यादा धूप रहती है। अगर वो स्टोमेटा खुले रहेंगे दिन में तो इतनी एक्सेसिव ऑलरेडी डेजर्ट में पानी की कमी है, तो वो ट्रांसपिरेशन को चेक करने के लिए, ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए दिन के समय में वो स्टोमेटा बंद कर लेते हैं। तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज कैसे होगी। तो हमने देखा ड्यूरिंग नाइट टाइम, यहाँ पे दिया हुआ है प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द नाइट टाइम और व्हेन द टेम्परेचर इज कूलर। जब टेम्परेचर कूलर होगा या नाइट टाइम के समय, उस समय स्टोमेटा क्या होंगे, ओपन करेंगे और उस समय एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना संभव हो पाता है। तो दिन के समय में स्टोमेटा क्या रहते हैं, बंद रहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, उसमें ऊपर दिया हुआ है ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द स्टमक वॉल। उसमें तीन बॉक्सेस ए बी सी करके दिए हुए, उसमें पूछा कि नेम द सिक्रीशन, ग्लैंड कौन कौन से सिक्रीशन करते हैं। तो हमने देखा ए में पेप्सिन है, बी में एससीएल है और तीन में म्यूकस सिक्रीशन है। और उसका साथ में फंक्शन भी पूछा हुआ है, फंक्शन क्या है, पेप्सिन क्या करता है, इट ब्रेक डाउन प्रोटीन इंटू पेप्टोन्स। प्रोटीन का वो पाचन करता है इंटू पेप्टोन्स एंड फाइनली इंटू अमीनो एसिड्स। फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, मेक द मीडियम एसिडिक। हमने देखा कि जब हम पढ़ा रहे थे वहां पे हमने एसिल का रोल बताया था, वो क्या करता है कि मीडियम को क्या कर देता है, एसिडिक कहता है। ये एसिडिक मीडियम क्यों जरूरी है, हम देखा इस पेप्सिन एंजाइम, ये इनएक्टिव फॉर्म में पड़ी रहती है, इसको एक्टिवेट करने के लिए, पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए क्या किया जाता है कि वो मीडियम को एसिडिफाइड होना बहुत जरूरी है। तो ये एससीएल क्या करेगा, इस पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। तीसरा हमने देखा म्यूकस, म्यूकस क्या करता है, यहाँ पे दिया हुआ है इट प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। हमने देखा एससीएल इज अ हाईली करोजिव इन नेचर, ये म्यूकस क्या करता है, उस स्टमक के वॉल को इस एसिड के इफेक्ट से बचाने का काम करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सेवंथ क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमंस। डबल सर्कुलेशन हमने देखा कि जब हमने एक डायग्राम देखा था स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, आइए एक रैपिड डायग्राम बनाते, आपको बड़ा आसानी तरीका डायग्राम बनाने का है। देखिए मैं आपको दो मिनट में डायग्राम बना के दिखा दूंगा ह्यूमन हार्ट का, अगर आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका भी ये डायग्राम दो मिनट में ही बनेगा। देखिए ये मेरा दो मिनट के एक मिनट से कम डायग्राम बनके तैयार हो गया, ऊपर के दो ऑरिकल नीचे के दो वेंट्रिकल। अब क्वेश्चन ये कह रहा है ह्यूमन हार्ट में डबल सर्कुलेशन का क्या रोल है। हमने देखा एक बार तो वेना कावा से इम्प्योर ब्लड डीऑक्सीनेट ब्लड आपका क्या आ जाता है, इधर वाला पार्ट राइट हो जाएगा, तो राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल से क्या हो जाता है ये लंग्स की तरफ चला जाता है फॉर ऑक्सीनेशन। अब हमने देखा एक कार्डियक साइकिल, अगर हम एक पॉइंट से ब्लड को लेते हैं और वहां पर पहुंचना है उसको हम एक कार्डियक साइकिल कहते हैं, कंप्लीट साइकिल एक पॉइंट से उसी पॉइंट तक पहुंचने में। अब हमने देखा कि लंग्स में गया, लंग्स से फिर वापस हार्ट में। अब हमने देखा कि इस पूरे कार्डियक साइकिल में हृदय से रक्त दो बार संचरित होता है। हमने देखा ड्यूरिंग वन कार्डियक साइकिल द ब्लड मूव्स थ्रू द हार्ट ट्वाइस, वंस द डीऑक्सीनेटेड ब्लड एंड देन द ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द पल्मरी वेन, पल्मरी आर्टरी से लंग्स में गया, पल्मरी वेन से क्या हुआ बैक टू द हार्ट आइस, को हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। ये एक कॉमन फीचर इन ऑल वार्म ब्लडेड एनिमल्स लाइक ह्यूमन बींग्स। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अबाउट अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। तो आर्टरीज और वेन्स में हमने पहले डिस्कशन किया है कि जो आर्टरीज होती हैं दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, वेयर एज वेन्स कैरीज ब्लड टुवर्ड द हार्ट। आर्टरीज कैरीज ऑक्सीनेट ब्लड वेयर एज वेन्स कैरीज डीऑक्सीनेट ब्लड। आर्टरीज हैव थिक वॉल्ड एंड नैरो ल्यूमेन वेयर एज वेन हैव थिन वॉल्ड विद ब्रॉडर ल्यूमेन। वेन्स कंटेन वॉल वेयर एज आर्टरीज डू नॉट कंटेन एनी वॉल। वॉल क्या करते हैं इट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। तो ये चार डिफरेंस आपको कहीं ना कहीं से आपको बुक से मिल जाएंगे आर्टरीज और वेन्स के। नाइन्थ है व्हाट डज ट्रांसपिरेशन हेल्प इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। हमने देखा कि ट्रांसपिरेशन किस तरह से हेल्प करता है अपवर्ड मूवमेंट, उसमें हमने एक बात कही थी, आप वीडियो देखिएगा आपकी ट्रांसपिरेशन की, उसमें दिया भी हुआ है कि हमने देखा एक ट्रांसपिरेशनल पुल, हमने देखा कि जैसे लीफ के ऊपर से पानी इवेपोरेट करता है तो वहां पे एक सक्शन फोर्स या ट्रांसपिरेशनल पुल क्रिएट होता है जो एक चैनल बनाता है। तो हमने देखा ट्रांसपिरेशनल पुल और एक कोहेजन जो फोर्स है दे बोथ एक्ट इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट। तो वीडियोस देखिएगा उसमें आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आपके जो वर्कशीट आपकी पिछली 28 या 29 आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन द ह्यूमन किडनी। इसमें आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा किस तरह से आपका जो स्टेप हमने देखा था आपका पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर समझा के फॉर्मेशन ऑफ यूरिन बताना पड़ेगा। इसमें नेफ्रॉन का डायग्राम बना के कैसे आपको बताया था एब्जॉर्प्शन है, सिलेक्टिव री अब्सॉर्प्शन की बात हमने कही थी। फिर नेक्स्ट है हमारे पास लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस हैं, इसमें आपके तो दो डायग्राम ही दिए हैं, ड्रा द सेक्शन डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट, जो मैंने बताया ह्यूमन हार्ट का सेक्शन डायग्राम है उसको लेबल कर देना है आपका, और उसमें बताया भी है कौन कौन से पार्ट करने हैं। पल्मोनरी आर्टरी मैंने बता दिया, लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम बता दिया हमने, वेना कावा, लेफ्ट वेंट्रिकल, अयोटा, अयोटा हमने देखा कि जो मेन आपका ब्लड कैरी करके लेके जाता है उसको हम अयोटा कहते हैं, डॉर्सल अयोटा और वेंट्रल अयोटा, ऊपर की तरफ वेंट्रल अयोटा होगा, ये वेंट्रल अयोटा है और ये डॉर्सल अयोटा है, ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी है, ये पल्मोनरी वेन है, ये वेना कावा, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये आपके ये चार पार्ट्स हो गए लेबल के। उसके बाद आपका जो डायग्राम नेक्स्ट दिया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ ड्रा लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड लेबल ऑफ पार्ट। तो हमने नेक्स्ट हमने देखा कि जो आपका बहुत आसान है ये भी एक मिनट में बनने वाला डायग्राम है, आपने दो इस तरह से बनाए, ट्यूब निकाली, उसको ज्वाइन किया आपने यूरिनरी ब्लैडर से, वेन्स दिखा दिया आपने,
ये आपका दो किडनी है, दिस इज यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर, सॉरी दिस इज यूरेटर किडनी यूरिनरी ब्लैडर यूरेथ्रा एंड यूरिनरी, आपको ये बुक में मिल जाएगा डायग्राम भी आपको। तो दो डायग्राम हार्ट के और आपके ह्यूमन एस्क्रेटरी सिस्टम के डायग्राम बन गए। एक क्वेश्चन और दिया हुआ है इसमें, राइट द फंक्शन ईच ऑफ द लेबल पार्ट, ये फंक्शन भी आप बता देंगे। देयर इज अ डिफरेंट इन द रेट ऑफ ब्रीदिंग बिटवीन द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, ये भी बताया हुआ है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जैसे फिश होते हैं, दे ब्रीद वेरी फास्ट, उनकी ब्रीदिंग रेट फास्ट होता है एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स दोज लिविंग ऑन द लैंड। इसका रीजन ये दिया हुआ है, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन दैट इज डिजॉल्व इन वॉटर इज ओनली 2%, मीन्स द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वॉटर इज फेयरली लो एज कंपेयर टू द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। एयर कंटेन हाउ मच परसेंट, इट्स 21%, वेयर एज वॉटर कंटेन ओनली 2%। अप कम द नीड ऑफ द एनर्जी, दे हैव टू ब्रीद मच फास्टर एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल। तो यहाँ पे आपकी पूरी वर्कशीट डिस्कस हो चुकी है, आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे जाके आप मेरे से उस कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। आप धन्यवाद आपका मेरे चैनल को देखने के लिए, प्लीज जुड़े रहिए, देखते रहिए, जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।